नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज जब बात देश की तो बात उन लोगों की जो धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाने पर सियासत कर रहे हैं, और यह सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तो लाउडस्पीकर के नाम पर देश को तोड़ने की भी धमकियां मिल रही हैं। यूपी में मंदिर हो या मस्जिद, सब जगह से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। योगी का फॉर्मूला हिट बताया जा रहा है, किसी से भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन जब इन लाउडस्पीकर को हटाया जाता है, चाहे मंदिर से हटे मस्जिद से हटे, उनकी आवाज कम की जाती है, तो तकलीफ की आवाज कहां से सुनाई देती है? जम्मू कश्मीर से। आज ही योगी सरकार के सबसे बड़े अफसर के हवाले से खबर है कि 41,000 लाउडस्पीकर को म्यूट किया गया है, 17,000 लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। कोई शोर हुआ? आपने सुना कि यूपी के अंदर कहीं पत्थर चल रहा हो, कहीं हंगामा हो रहा हो, प्रोटेस्ट हो रहा हो, एकदम सब कुछ शांति से हो रहा है। लेकिन यूपी के एक्शन पर कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बहुत परेशान हो रहे हैं। देश का हिंदू हो या फिर मुसलमान, वो ये मानने को राजी है कि लाउडस्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे लोग भड़का रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ये देखना नहीं चाहते कि लाउडस्पीकर मंदिरों से भी हटाए जा रहे हैं। अगर चश्मा ठीक होता तो शायद अब्दुल्ला ये तस्वीरें भी देखते और ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देते, लेकिन अपनी सियासत के लिए लाउडस्पीकर को मोहरा बना रहे हैं, नफरत फैलाने की बातें कर रहे हैं। नया भारत एक देश एक कानून की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों ने अपना अलग ही रास्ता बना रखा। अब्दुल्ला इस लाउडस्पीकर को किस बात से जोड़ रहे हैं, एक बार सुनिए। आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक एक, एक नफरत यहां डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूं, अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें यह कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। हमारा फैसला कुछ और होता, जैसे कश्मीर को यही लेकर आए थे हिंदुस्तान के साथ। और दूसरी बड़ी बात, जब ये कहते हैं कि एक धर्म को दबाया जा रहा है, मुझे ये बताइए, जब मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हट रहा है तो एक धर्म को कैसे दबाया जा रहा है? कह रहे एक धर्म से दिक्कत है। पलटकर को यह भी पूछ सकता है कि एक धर्म को ही सारी दिक्कत क्यों है, जब देश में सारे कानून सबके लिए लागू होते हैं, कोई और तो हंगामा नहीं करता। कभी आप हंगामा करते हैं कि 3 तलाक क्यों हटा रहे हैं, उसमें महिलाओं का अधिकार नहीं देते। कभी आप हंगामा करते हैं कि हिजाब पहनने दीजिए, दुनिया कहां जा रही है आप ये नहीं देखते। और अब जब स्पीकर लाउडस्पीकर सब जगह से हट रहे हैं तो भी आपका वही विक्टिम कार्ड कि हमारे ऊपर ही सब हो रहा है, सब में आपको ही दिक्कत है, ये क्यों नहीं पूछा जाए? उमर अब्दुल्ला कश्मीर पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कश्मीर इनकी जागीर है, लेकिन इनको यह समझ लेना चाहिए कि कश्मीर किसी की जागीर नहीं है। कि कुछ भी बोल दिया, कश्मीर भारत का अभिन्न था, है और रहेगा। भड़काऊ बयानबाजी और नफरत पैदा करके देश को तोड़ने वाले बयान अभी आपने सुने। अब एक और संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री का बयान सुनिए। झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हाफिजुल हसन खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। ये मंत्री हैं, मुसलमानों को भड़काने के लिए 20-80% वाले फॉर्मूले की धमकी दी जा रही है। एक बार सुनिए इनका बयान। को पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। तो ये चीज समझ में सब आ गया है सबको। ये झारखंड के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, और कह रहे हैं कि हमारा 20 घर बंद होगा तो आपका 70 बंद हो जाएगा। ये मंत्री की भाषा है। ऐसे भड़काओ और नफरती बयानबाजी ही है जिससे देश का माहौल खराब किया जा रहा है। यही वजह है कि खुद को धर्म का ठेकेदार और मुसलमानों का मसीहा बताने वाले ये लोग एक देश एक कानून का विरोध करते हैं। इनको सिर्फ अपनी सियासत चमकानी, ये मत सोचिएगा कि इनको देश के मुसलमानों से कोई मोहब्बत है। इनको सिर्फ नरेंद्र मोदी से नफरत है
उनको 2024 में रोकना है और उसके लिए देश का माहौल कैसे खराब हो जाए, क्योंकि ये जब आप दिमाग में भर देंगे कि सब तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है, तो फिर जो भी होगा आपको भी वो उसी नजरिए से नजर आने लगेगा कि हाँ हमारे ही साथ तो हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर हिंदू पर भी चले, मुसलमान की दुकान पर भी चले, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमान नजर आने लगेगा। लाउडस्पीकर हिंदू और मुसलमान दोनों के हट रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमान नजर आने लगेगा। ये लोग यही भरते हैं आपके दिमाग, मुसलमान को डराओ भड़काओ, ये सब चलता है इस देश के अंदर और चल रहा है। झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री के बयान पर बीजेपी ने भी बयान दिया, शहजाद पूनावाला को सुनिए। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने जिस प्रकार से खुले मंच से हिंदुओं को धमकी दी है, जिस प्रकार से उन्होंने सांप्रदायिक भड़काऊ बयान दिया है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के हिंदू विरोधी डीएनए और चरित्र का एक और प्रमाण सामने आया है। इसी प्रकार की मानसिकता आज झारखंड की सरकार में है, जिसकी वजह से हफीजुल हसन जैसे लोगों को संरक्षण भी मिलता है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला भी होता है झारखंड में। एक तरफ लाउडस्पीकर हटाने पर नफरती बयानबाजी हो रही, दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ हो रही, कई राज्यों में योगी का मॉडल फॉलो हो रहा है। बुलडोजर पर आपने देखा, अब यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर राज ठाकरे ने योगी की जमकर तारीफ की और उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं, सब भोगी हैं, भगवान महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में, योगी लाउडस्पीकर उतारेंगे तो कश्मीर में बवाल होगा क्या? लाउडस्पीकर पर देश तोड़ने वाली धमकी क्यों दी जा रही है? लाउडस्पीकर पर जनता राजी है तो नेताओं को क्या परेशानी है? मुसलमान को भड़काने के लिए 80-20 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ आज शो में जुड़ रहे हैं और मौलाना हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा शुरू करूं कि मुसलमान का इस्तेमाल 80-20 करके और 2024 के लिए हो रहा है या नहीं, उससे पहले कपिल कुमार जी मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्योंकि इतिहास के पन्ने आपने बहुत खंगाले हैं। इस देश में एक बड़ा कॉमन सेंटेंस जो आजकल यूज होता है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कश्मीर किसी के बाप और दादा का है क्या, कि कोई ये कह दे कि हमने कश्मीर को हिंदुस्तान से इसलिए नहीं मिलाया था कि हमको लगता था कि ऐसा इस देश में नहीं होगा। जरा इतिहास के पन्ने इस पर क्या कहते हैं बताइए। शशांक जी, सबसे पहली तो एक बात मैं ये बता दूं आपको कि कश्मीर को हिंदुस्तान से इन्होंने नहीं मिलाया था, और मैं दस्तावेज के दस्तावेज आपको दे दूंगा कि शेख अब्दुल्ला जब जलंधर आते थे तो कहते थे नेहरूज कश्मीर, और इसी समय इस्माइल के साथ जो पीओके का प्रधानमंत्री बना और लियाकत अली के साथ जो इनकी चिट्ठी पत्री है वो सारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। ये मैं आपको बता दूं, कश्मीर को हिंदुस्तान में विलय करने का निर्णय लिया था राजा हरि सिंह ने एक कानून की तहत, कि जब अंग्रेजी पैरामाउंट सी चली गई तो उन्होंने भारत की रियासतों को यह कहा था कि तुम जिस मर्जी डोमिनियन में मिल जाओ, हिंदुस्तान के डोमिनियन में मिलो या पाकिस्तान के डोमिनियन में मिलो। और उस समय राजा हरि सिंह पहले कश्मीर को इंडिपेंडेंट बना के रखना चाहते थे, क्योंकि माउंटबेटन उन्हें भड़का के आए थे कि किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि कश्मीर के ऊपर अंग्रेज अपना एक प्रभुत्व चाहते थे, जैसे ही वो ट्रेवनकोर के चाहते थे समुद्र को, इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए और इधर सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस बीच जब पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर के ऊपर, तो उस समय उस हमले की वजह से राजा हरि सिंह ने एक्सेशन के डॉक्यूमेंट पे साइन किए, उन डॉक्यूमेंट के साइन करने के अंदर और कश्मीर को भारत में विलय कराने के अंदर शेख अब्दुल्ला का कोई हाथ नहीं था। अगर कोई कहता है तो मुझे दस्तावेज दिखाए कि शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह जी कहा कि आप जाके कश्मीर का विलय भारत में करिए, या वो जो ये कहते हैं आज कि हमने निर्णय लिया था, हमारा निर्णय कुछ और होता। अरे अपने दादाजी से पूछिए, जो एक उस समय स्कूल टीचर हुआ करते थे
और आज आप लोग जो जायदादें बना के बैठे हैं कश्मीर के नाम पे कि इंग्लैंड तक में आपने अपने फ्लैट खरीद रखे हैं, वो पैसा कहां से आया था? नफरत डालने में ये खुद सबसे ज्यादा माहिर है। किसी आतंकवादी की यह आलोचना नहीं करेंगे, यहां तक के जो कश्मीरी मुसलमानों को भी आतंकवादी मारते हैं उस तक की आलोचना ये नहीं करेंगे। ये अपनी सियासत 370 की तहत हिंदुस्तान से लूट करके पैसा खा करके आज आरटीआई आ गई है ना, आज जो सेंटर से फंड देता है अब जवाब दे है ना सरकार कि वो फंड कहां खर्च हो रहा है। जरा इनसे पूछिए, इनसे हिसाब मांगिए कि कश्मीर में जो फंड्स गए थे इन्होंने कहां खर्च किए। मैं खुद आपको उदाहरण दे दूंगा। वैसे कई सवाल हैं और कई सवाल इनके पिताजी से भी पूछे जा रहे हैं जिससे बड़ी तकलीफ है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि इनके दादा जान जो थे उनके कहने पर कश्मीर यहाँ हिंदुस्तान के साथ नहीं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों। एक लाइन और सुन लीजिए। शेख अब्दुल्ला को जब गिरफ्तार कर रहे थे करण सिंह, तब तक करण सिंह आ गए थे राजा, नेहरू का पत्र है करण सिंह के नाम के शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने के लिए हिंदुस्तान के फोर्सेस को यूज मत करना। उसके बाद दूसरा पत्र है, तुम कब तक शेख अब्दुल्ला को बंद करके रखोगे। और तीसरा चीज यह है कि जब शेख अब्दुल्ला रिहा होता है तो यहीं तीन मूर्ति भवन में उनको बुला के 3 दिन मीटिंग की जाती है। और शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार क्यों हुए थे? गिरफ्तार इसलिए हुए थे कि पाकिस्तान के साथ उस समय हॉबनॉबिंग कर रहे थे। सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं कि इनके जब जब चीफ मिनिस्टर रहे कैसे पाकिस्तान के आईएसआई के लोग आके ये रिकॉर्ड हैं और इतिहास के पन्नों में है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप बता देंगे तो लोगों को जरा क्लैरिटी हो जाएगी कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है तो कश्मीर भी किसी के बाप दादा का नहीं है। है तो हिंदुस्तान का है और रहेगा भी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन शहजाद पूनावाला मुझे यह बताइए, झारखंड के मिनिस्टर कहते हैं हमारे 20 घर बंद होंगे तो आपके 70 हो जाएंगे। आप और उमर अब्दुल्ला कहते हैं सिर्फ हमारा मजहब खटक रहा है इस देश के अंदर। मुझे समझाइए ऐसा क्या हुआ है इस देश के मुसलमानों के साथ और आपने क्या किया है कि इस देश के मुसलमान को अचानक खतरा हो गया? देखिए, दिक्कत की बात यही है और यही वो सोच है कि कभी इतने वर्षों के बाद भी कुछ लोग जो मैं कहता हूँ कि भड़काऊ भाईजान और वोट बैंक की दुकान चलाते हैं और तुष्टिकरण के कदरदान हैं, उनको लगता है कि आज उनकी राजनीति इस प्रकार से खतरे में आ चुकी है कि वो कभी अपना नहीं समझ पाए चीज़ों को। ये हमारा और तुम्हारा ही है और ये शुरुआत होती है हमारा माइक, हमारे कपड़े, हमारा मज़हब, हमारे घर, और फिर ख़त्म कहाँ होती है? अगर कार्रवाई की जाए अफजल गुरु पर तो हमारा व्यक्ति है वो, बुरहान वानी पर कार्रवाई की जाए तो ये हमारे हेडमास्टर का बेटा है, याकूब पर कार्रवाई की जाए तो बोलेंगे ये हमारा मुसलमान है जिसको मारा गया है। तो इस प्रकार से शुरू होती है माइक से और ख़त्म होती है आतंकवादियों को भी हमारा बताने पर। मैं सवाल 2-3 पूछना चाहता हूँ। ये लाउड स्पीकर का जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, ये संविधान का हवाला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो सब पे लागू किया, आज उत्तर प्रदेश पे सब पे लागू हो रहा है, मस्जिद से भी उतरे हैं लाउड स्पीकर, मंदिर से भी उतरे हैं लाउड स्पीकर। परंतु क्या लाउड स्पीकर बजाना किसी के वोट बैंक का विशेष अधिकार हो सकता है क्या? अब लाउड स्पीकर अभिन्न अंग हो गया है क्या किसी के धर्म का? ये हिजाब का फैसला है कर्नाटका हाई कोर्ट ने लिया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब के बारे में फैसला सुनाया था कि यूनिफॉर्म होगा हिजाब नहीं होगा, और ये महाराष्ट्र में भी है, केरला में भी है। परंतु अब ये क्या कोर्ट का फैसला है तो उसमें भी हमारा तुम्हारा होगा? और जो आखिरी में झारखंड के मंत्री कह रहे हैं ये बात, ये देखिए यही तो मैं कह रहा हूं, ये हिंदू विरोधी बातें करना, हिंदुओं के खिलाफ जहर और नफरत उगलना और फिर उसके बारे में एक माहौल बनाकर जब शोभा यात्रा पर हमला होता है झारखंड में, जब रुपेश पांडे को मारा जाता है और जब इस प्रकार से होता है तो इन दंगाइयों के बचाव में आ जाना, यही तो राजनीति करती आ रही है कांग्रेस। ठीक है, माजिद हैदरी, क्या हो रहा है इस देश में ऐसा जो उमर अब्दुल्ला को लगता है कि हमारा मजहब ही खटकता है? कोई पलटकर ये क्यों ना पूछे कि आपके मजहब को ही सारे देश की चीजों में दिक्कत क्यों होती है? सुशांत भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा देश के हर देशवासी को, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, जो कोई है, शहजाद भाई आप हैं, मैं सबों को, कि बुलडोजर की राजनीति तोड़ो, माइनॉरिटीज को डराना छोड़ो, बिंदी और हिजाब के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम रखो देश प्रेमी। देखिए सुशांत भाई, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो अजान की बात चल रही है और लाउड स्पीकर की बात चल रही है, जो महत्व मंदिर में हमारे हिंदू भाइयों के लिए मंदिर की घंटी का होता है, वो मुसलमानों के लिए मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का होता है।
तो जब हमने कभी आवाज नहीं उठाई कि हमारे हिंदू भाई के मंदिर में घंटी ना बजे, तो हमारे ये भाजपा वाले आरएसएस वाले क्यों कहते हैं कि मस्जिद में अजान लाउडस्पीकर पे ना हो। और दूसरी बात, जो हमारे झारखंड के भाई ने 80% और 30% की बात की, देखिए ये समझना होगा कि आज अगर हमारे हिंदू भाई इस देश में 80% या 70% हैं, वो इस वजह से हैं कि जब हमने 700 साल के करीब जब मुसलमानों ने इस देश पे हुकूमत की, तो हिंदू भाइयों की जनसंख्या को बढ़ने दिया, आदर से बढ़ने दिया, कभी उनको मंदिर पे परेशान नहीं किया, कभी उन्हें खाने पीने पे परेशान नहीं किया, कभी उन्हें ये नहीं कहा कि आप शाकाहारी क्यों हो, आप गोश्त क्यों नहीं खाते। इस तरीके का मुसलमानों ने हमेशा इस देश में कल्चर रखा। लेकिन पिछले 7 साल से क्या हो गया कि आज मुसलमान को शायद 1 साल बाद ये भी कहा परमिशन ले। आप देखिए जो प्यूटिन ने उक्रेन में नहीं किया, वो आदरणीय मुझे दो चीजों के जवाब चाहिए। आपने चूंकि कहा कि हमने इस देश पर जब इतने 100 साल राज किया, तो आप किसके, आप अकबर के वंशज हैं, औरंगजेब के हैं, किसके किसके क्लैन से, मतलब किसकी पीढ़ी से आते हैं आप? देखिए हम तो, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि मुसलमान हमारे जो थे, जो हमारे पूर्वज थे, कितने अच्छे थे। मुगल भी कितने अच्छे थे, खिलजी भी कितने अच्छे थे, कि कभी मुगल बहुत अच्छे थे, जुल्म नहीं किया, मुगल बहुत अच्छे थे, जनसंख्या मंदिर तोड़ने वाले मुगल बहुत अच्छे थे, मेजोरिटी में लोगों से तलवार की नोक पर। मुझे ये बताइए, जब मुगल यहाँ नहीं आए थे, आपके जो बाप दादा रहे होंगे वो मुसलमान थे? जी देखिए, जब ये धरती बनी है, हमारा तो ये विश्वास है धर्म में कि सबसे पहले सब मुसलमान। आपके विश्वास से दुनिया नहीं चलती, आपके विश्वास से, आपके विश्वास से आप लोग चल सकते हैं, हम नहीं चलेंगे। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। माजिद हैदरी, जब आपके पापा, या पापा तो अभी रिसेंटली हैं, मुझे बताइए दादा परदादा और उनके बहुत पहले वाली पीढ़ी, ये लोग हिंदू थे कि मुसलमान थे, कैसे थे? जी देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, कन्वर्शन आया उससे पहले यहाँ पर, तो कैसे आया, मुगल आए और उन्होंने कहा कि सुनो एक काम करो, तुम लोग सब इस्लाम में कन्वर्ट हो, क्योंकि मुसलमान धर्म बहुत पुराना है। हाँ, तो आप जो ये गिना रहे हैं कि मुगलों ने आकर एहसान कर दिया कि हिंदुओं को जीने दे दिया, पलट के ये क्यों ना पूछा जाए कि जो पूरा देश हिंदुओं का था उसमें आपने आकर ऑक्यूपेशन किया, आपने उसको कब्जा लिया, और उसके बाद भी वहां 20% हो गए, उन हिंदुओं ने आपको कबूल कर लिया, ये क्यों नहीं कहा जाए? नहीं देखिए, यही तो आप हिस्ट्री गलत समझ रहे हैं। ना ना, मैं एकदम सही समझ रहा हूँ। हिंदुओं से पहले बौद्ध धर्म था यहाँ पे, बौद्ध धर्म से पहले फिर मुसलमान थे, तो ये बड़ी पुरानी कहानी। हिंदुस्तान में पहले मुसलमान थे, हिंदुस्तान में पहले मुसलमान थे, हर देशवासी का था, मुसलमान क्रिश्चियन दलित सबों का देश। ना 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 ना, सर प्लीज ऐसा अत्याचार मत कीजिए, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं थोड़ा। कपिल कुमार जी, क्या हिंदुस्तान जो है, ये जो पूरा, जो अगर आप मिला दे अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबको, वो पुराना हिंदुस्तान, एकजुट हिंदुस्तान, क्या वो पहले मुसलमान थे यहां पर और हम हिंदू बाहर से आए हैं क्या? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि एक तो ये गलत फहमी निकाल दें कि पूरा हिंदुस्तान कभी मुगलों के अधीन रहा है, इस गलत फहमी को निकाल दें। औरंगजेब तब की जाटों ने मथुरा के इधर और भरतपुर के उधर ऐसी तैसी करके रख दी थी। राजस्थान का कोई रजवाड़ा जो है मुगलों का वो नहीं था राज। आसाम और पूरा उत्तर पूर्वी भारत कभी मुसलमानों के, मुगलों के अंडर में नहीं रहा। दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत सारे राज और रजवाड़े थे। सुनिए, पहले तो ये बात सुन लीजिए। दूसरी, मैं इनको एक बात बताता हूं और इनसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं गलत हो तो, क्योंकि पूनावाला भी यहां मौजूद है शहजाद, वो इस बात को मेरी अगर गलत होगी तो सही कर देंगे। देखिए ये कैसे बदलते हैं, इत्तफार होता, पार्टी होती है, इत्तफार एक पार्टी नहीं है, वो एक धार्मिक प्रक्रिया है रोजा तोड़ने के लिए। और सुनिए, साफ लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि इफ्तार सिर्फ वो कर सकता है जिसने रोजा रखा है, और इफ्तार में सिर्फ वो शामिल हो सकता है जिसने रोजा रखा है। और मुझे आज ही ये बात मेरे एक प्रोफेसर साहब ने बताई, मक्खन लाल ने, जो अलीगढ़ में हर बार इत्तफार पार्टी करते थे, तो एक बहुत बुजुर्ग थे अलीगढ़ के अंदर, बहुत धार्मिक आदमी, वो उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं आते थे, तो एक साल नहीं आए, दो साल नहीं आए, तीसरे साल जाके उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि साहब आप इसमें आते क्यों नहीं है, तो बोले भाई क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, मेरी बात बात चल रही है, वो बात कंप्लीट हो जाए। बोलिए, अरे भाई मेरी बात को सुन लीजिए, आपको भी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम मुगलों के एहसान के नीचे दबे हुए हैं, वो एहसान हमें उतार देने दीजिए, और कपिल कुमार जी को अपनी बात तो कह लेने दीजिए।
मुगलों से सीखिए, मुगलों ने इस देश में लोगों को बोलने दिया है, मुगलों से सीखिए सर, मुगलों से। आप, मैं तो सोचता था आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, मुझे पता चला आप मुगलों के वंशज निकले। अब बताइए कपिल कुमार जी, बात पूरी कीजिए। सुनिए, उन बुजुर्ग ने, बहुत ही धार्मिक इस्लामिक आदमी थे, उन्होंने प्रोफेसर मक्खन लाल से कहा कि मक्खन लाल जी आप मुझे घर बुलाइए, मैं 20 बार आऊंगा, लेकिन इफ्तार और रोजे के नाम पे आप मुझे मत बुलाइए, क्योंकि कुरान ये कहती है कि इफ्तार में वही हिस्सा ले सकता है जिसने रोजा रखा हो। लेकिन इन्होंने इफ्तार को भी राजनीति का अंक बना दिया पूरे उसके अंदर। तो कभी ये कुरान की बात करते हैं, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है, हिंदू धर्म से भी पुराना है, सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम था। तो भाई इनकी समझ के आगे मैं तो इनसे बहस कर नहीं सकता, नहीं, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं लिखा जिन्होंने भारत के इतिहास की ऐसी तैसी की थी। हम उसे हजरत आदम अलैहि सलाम का पुल कहते हैं, तो इसमें आप धर्म को फसाद मत। अच्छा, अब राम सेतु भी राम सेतु नहीं है, बहुत बढ़िया था, राम सेतु भी राम सेतु नहीं है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ माजी रहती, तेरे काम करना था, अगर भगवान श्री राम भी आपकी नजर में कोई पैगंबर रहे होंगे जो आपके ही धर्म के थे, तो उनका मंदिर बन जाने देना था, इतना हाथ पैर नहीं मारना था, वो भी तो सब तो भाई मुसलमान ही थे, तो बन जाने देना था। सुशांत जी, इन माजिद हाजरी साहब को एक बात बताइए, सुनिए, लोग कहते हैं कि मक्का की गुफा के अंदर हिंदू महिला बिंदी ना पहने, मैं नहीं माना इस बात। अरे किसी ने नहीं कहा हिंदू महिला बिंदी ना पहने, और पहनने के लिए अगर बोला नहीं बोला तो भी किसी ने नहीं कहा कि हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मौलाना हाफिज गुलाम सरवर, आई से बाहर निकल करके आ जाओ, कभी पाकिस्तान से बाहर निकल करके आ जाओ। मौलाना गुलाम हाफिज सरवर, मुझे ये बताइए कि मुगलों के वंशज हैं, कभी कभी हम पाकिस्तान के साथ रहते, हम तो इंडिया के साथ नहीं जुड़ते, अगर पता चल जाता कि लाउडस्पीकर उतारा जाएगा, ऐसी ऐसी बात कीजिएगा, 80-20 होगा तो 20% हमारा घर जाएगा, आपका 80% चला, ऐसी ऐसी बात कीजिएगा, और फिर कहिएगा हम संविधान मानते हैं, हम कानून मानते हैं, देश को अपना मानते हैं, लोग तो प्रश्न पूछने लग जाएंगे फिर। सबसे पहले प्रशांत जी आपको फिर बधाई दूं, बहुत ही सही मुद्दों को आप सामने लाते हैं, लेकिन एक विनती करूंगा कि मेरे नाम में थोड़ा सा सुधार करें सर, मेरा नाम बड़ा लंबा चौड़ा आप लोगों ने मौलाना हाफिज गुलाम सरवर, सिंपल नाम हाफिज गुलाम सरवर रखिएगा प्लीज। एक 3-4 सवाल इकट्ठे आ गया है शहजाद पूनावाला साहब की तरफ से, हमारे कपिल जी की तरफ से, और हैदर साहब भी थोड़ा सा इतिहास से इधर उधर जा रहे थे, बहुत ज्यादा स्लिप कर रहे हैं, इतना भी स्लिप नहीं करना चाहिए, नहीं इतना स्लिप ठीक नहीं है। देखिए 2-3 बातें, पहले तो उमर अब्दुल्ला के बयान की घोर निंदा मैं करता हूं, उनको ये अधिकार ही नहीं है कहने का कि मैंने जो भारत से इल्हाक किया, जो उर्दू में इल्हाक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इल्हाक उन्होंने किया ही नहीं था, उनके अब्बा हुजूर ने भी नहीं किया था, और उनके दादा भी ने भी नहीं किया था। इसलिए इस कहानी को खत्म कीजिए, जो बयान वो दे रहे हैं वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि वहां जमीनें खिसकी हुई है इन लोगों की, इन लोगों ने जो दौरे हुकूमत में जो कुछ किया है वो दुनिया के सामने आ चुका है, और कश्मीर में आज तक अमन की तलाश हो रही है, उसमें सिर्फ केंद्र सरकार को दोषी मानना उचित नहीं है, अब्दुल्ला फैमिली भी उसमें बराबर की शरीक है। ये तो एक सवाल का जवाब। अब दूसरे सवाल, झारखंड के माननीय, मैं कैसे कह दूं, मंत्री जी, आप मंत्री हैं, आप शपथ लेते हैं, आप कांग्रेस होंगे, कांग्रेस पर आप चित्र दिया उस पर तो मैं प्रकाश नहीं था। और निंदनीय है कि 20 और 80 जो है वो, ये चूंकि पहले एक बार चुनाव में 20-80 का मुद्दा उठा था और काफी आपत्ति हुई थी, हम लोगों ने भी आपत्ति की थी, और मुझे आपत्ति है इस पर, जब भारत की बात हो, संविधान की बात हो, देश की बात हो, जनता की बात हो, तो 80-20, 85-15 ये नहीं चलना चाहिए। लेकिन मंत्री के पूरे बयान को जब तक सुना नहीं जाएगा तो इस पर फाइनल अभी कमेंट नहीं दिया जा सकता, वो हो सकता है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अभी मैंने पूरे बयान नहीं सुने, जो मीडिया पर चल रहा वही सुना हूं। पूरे बयान में अगर ये उनका मंशा होगा कि कर्फ्यू वगैरह जो लगता है तो सारे लोग प्रभावित होते हैं, तो शायद इसको पचाया जाएगा। तीसरी बात, आपने राज ठाकरे जी का उदाहरण दिया, अब मुझे आपके उन बातों पर मैं इशारा करना है, राज ठाकरे जी योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते करते खास कर शब्द का प्रयोग करते हैं, खास कर मुस्लिमों के मैंने लाउड स्पीकर उतारने का मैं स्वागत करता हूँ, राज ठाकरे भी वही कर रहे हैं, ये भी जमीन तराश रहे बीएमसी में कुछ सीट मिल जाए, मिलेगा नहीं, भारत के लोग प्रबुद्ध नागरिक है, उत्तर प्रदेश में बड़े ड्रामे हुए, बड़े हंगामे हुए, खुश है ना योगी के बुलडोजर से और योगी के लाउड स्पीकर उतारने से,
सारे लोग खुश हैं और आप सारे लोग खुश करेंगे, सारे लोग खुश हैं। माजिद हैदरी आप क्यों दुखी होते हैं फिर? नहीं नहीं मैंने सुन लिया, आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है सरवर साहब। माजिद हैदरी आप क्यों दुखी होते हैं? मुझे अपनी पसंद से गोश्त खाने नहीं दिया जाता, मैं दुखी तब होता हूं जब मुसलमान महिला को हिजाब पहनने नहीं दिया जाता। आपको कब गोश्त खाने से रोका गया बताइए, आपको कब गोश्त खाने से रोका गया मुझे बताइए। नॉन इशू है ये, नॉन इशू है। क्या नॉन इशू है? कौन गोश्त खाने नहीं देता? कौन नॉन इशू है? कैसी बात कर रहे हैं आप? नवरात्रा के नाम पे कितनी दफा दुकानें बैन हो जाती है, हलाल बेचना। कहाँ बैन हो गई भाई दुकानें, कहाँ दुकानें बैन हो गई मुझे बताइए? हर जगह खोल दी गई थी, एक जगह आया था उसको खोल दिया गया था। मध्य प्रदेश में हमको नॉनवेज खाने नहीं दिया जाता है तो हमने इंडिया के साथ आकर गलती कर दी। कैसे कैसे बात बोलते हैं आप लोग सर, नॉनवेज खाने के लिए जिंदा है हैं? कहीं नॉनवेज खाना हमारी मर्जी है, क्या खाएं आप? अगर वेजिटेरियन खाते हैं हम आपको रोकते हैं, कभी आपने देखा? हाँ आप तो वेजिटेरियन आतंक चला रहे हैं देश में इस वक्त। क्या आप वेजिटेरियन हो गए? चला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। क्या माजिद हैदरी आप वेजिटेरियन हो गए? कल वो प्रॉब्लम, आप वेजिटेरियन हो गए? नहीं, मुसलमानों की पहचान नॉन वेजिटेरियन की क्यों बन रही है इस देश में? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए जनाब, आप एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको अभी बताता हूँ। अरे रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए, नॉनवेज पर आप आ गए, शहजाद पूनावाला मुझे ईमानदारी से बताइए। अरे रुकिए सर, मैं भी बहुत खाने का शौकीन हूँ, दिल्ली की सड़कों में घूमता हूँ, मुझे भी पता है। दिल्ली में मैंने देखा है मुस्लिम बहुल इलाके में खुले में लिखा हुआ यहाँ बड़े का मांस मिलता है, किसने रोका मुझे बताइए? क्या खाने को नहीं मिल रहा है, क्या खाने को नहीं मिल रहा है इस देश के अंदर? जनाब जब नवरात्रा के दिनों में कसाईयों का गोश्त फेंका जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, तो सेक्युलर राष्ट्र में क्यों होता है? कहाँ फेंका जा रहा है ऐसा? क्यों होगा? कहाँ फेंका जा रहा है? क्या हमने कभी आपको कहा कि हमारा कोई हिंदू भाई दारू ना पिए, कोई सिख भाई दारू ना पिए, हमें दारू पीने पे भाई कभी हमने कहा? आप दारू पीजिए, आप गोश्त के बीच जाकर लेट जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस देश में कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, कोई नहीं रोक रहा है। शहजाद पूनावाला देखिए, सबसे पहले तो माजिद हैदरी ने कहा कि हमारी 700 वर्ष हुकूमत रही, तो अगर 700 वर्ष हुकूमत रही और ये मुगलों के वंशज है तो इनको कल से ये बोलना खत्म कर देना चाहिए कि हम गरीब है, हम मजलूम है। ये तो इतने 700 वर्ष इन्होंने हुकूमत की है, तो कल से इनको कोई भी आरक्षण या किसी भी प्रकार से स्पेशल रिजर्वेशन, स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन, हिस्सेदारी ये मांगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत ही संपन्न तरीके से रहे हो 700 वर्ष और आपने तो हुकूमत की है तो इतना मतलब आप संपन्न हैं। दूसरी बात, आप मुझसे बताइए कि जब हरिद्वार में 2004 में वहाँ पे सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने पूरे हरिद्वार को वेजिटेरियन बना दिया, तब इनको नहीं लगा कि इनके मीट खाने के अधिकार पर आक्रमण हो रहा है। जब कुरुक्षेत्र में ये लागू कर दिया गया था, पेहोवा में लागू कर दिया गया था, जब वहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, तब इनको नहीं लगा। जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार है, वहाँ पर एक गाँव है पुणे के पास, वहाँ पर लागू कर दिया गया, टेम्पल टाउन है तो वहाँ पर लागू कर दिया गया, तो वहाँ पर उनको खतरा नजर नहीं आया। पर खतरा तब नजर आता है जब यहाँ पर एक SDMC एक आदेश लाती है, तब खतरा नजर आता है। तो मुझे बता दीजिए, BMC में तो 64 से लागू है, वहां पर तो आपने कभी विरोध नहीं किया, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? तब आपको नहीं, तब आपके मीट खाने के अधिकार पर हमला नहीं हो रहा था। देखिए सवाल ये है कि ये सारी चीजें जो है ये राजनीतिक है, ये वोट बैंक का वीटो कार्ड है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड माजिद हैदरी मुझे एक बात बताइए। मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हम पर ये हमला हो गया, हम पर वो हमला हो गया, हमें ये करने नहीं दिया जा रहा है। मुझे बताइए कि कोर्ट ने फैसला लिया है लाउडस्पीकर का, सभी धर्मों के इदारों से ये लाउडस्पीकर हट रहा है, कोई हिंदू तो नहीं कह रहा है कि हमारा माइक छिन गया। ये केवल आप ही क्यों बार बार विक्टिमहुड कार्ड शुरू करते हो, और माइक से शुरू होता है और आतंकवादी पर समाप्त होता है। आप मुझे बताइए कि बुरहान वानी को आप आतंकवादी मानते हैं, हाँ या ना? नहीं, बुरहान वानी भी आपका है। नहीं, बुरहान वानी को आप आतंकवादी मानते हैं, हाँ या ना? घंटी बजती है मंदिर में, घंटी बजती है जैसे मंदिर में। अच्छा एक बात सुनिए, आजान पर रोक लगाई है। माजिद हैदरी एक बात बताइए, सुनिए माजिद हैदरी आपको बहुत सुनिए, माजिद हैदरी अगर आपको बहुत दिक्कत हो जाती है कि आपको आपके मन पसंद गोश्त को खाने नहीं दिया जा रहा है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन कहीं भी आपको लगता है, तो मुझे ये बताइए कि क्या मुझे या देश के बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ नहीं होने चाहिए कि मुझे अपनी मर्जी से सुबह 8 बजे तक सोने नहीं दिया जा रहा है, मेरे कान में सुबह सुबह भोंपू बज रहा है कि उठो और आओ, अजान सुनो और आओ, तुम यहां पर इबादत करना। मुझे नहीं करनी इबादत भाई, मुझे नहीं सुनना, तो ये मेरा अधिकार नहीं है? ये कौन सा तरीका है कि आप सुबह सुबह अजान देना शुरू कर दे? कम की जा सकती थी भाईचारे से, इसको कानून के दायरे में कोर्ट में घसीटने की जरूरत नहीं थी। अरे तो कोर्ट में आज गया है सर,
कोर्ट में आज नहीं गया है ना नरेंद्र मोदी सरकार के बाद, कोर्ट में बहुत पहले गया है। और कोर्ट में क्यों जाना पड़ा मुझे बताइए, ये जो हो रहा है ये कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, तो फिर क्यों बोलते हैं हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, मंदिरों से भी तो हट रहा है। जनाब किसी भी धर्म का मामला कोर्ट में ना ले जाइए, कोई हिंदू ना ले जाइए, मुसलमान क्यों नहीं ले जाइए, मुझे ये बताइए क्यों नहीं ले जाइए। आप बाहर मान लीजिए कोर्ट में नहीं जाएगा, भाईचारे से सुलझाइए। अरे भाई माजिद हैदरी, अगर भाईचारा दिखाना है लाउडस्पीकर खुद हटाना है, लाउडस्पीकर नहीं हटाइएगा कानून पर, कोर्ट जाकर जब लाउडस्पीकर हट रहा है तब तो आप कह रहे हैं हमको टारगेट कर रहे हैं, अगर कोर्ट का आदेश नहीं होता तब तो आप चढ़ी जाते कहते हुए कि हमको जो है टारगेट किया जा रहा है। नहीं अयोध्या वाले मामले में क्यों कोर्ट गए फिर, अयोध्या वाले मामले में राम मंदिर के मामले में कोर्ट क्यों गए अगर किसी धर्म को कोर्ट नहीं ले जाना है। अब चलिए आप ये पहल कीजिए कि मथुरा वाला मामला कोर्ट में ना जाए, आप आपसी भाईचारे से सुलझा दीजिए, आपसे कह रहा हूं मैं आपसी भाईचारे से मथुरा वाला मामला सुलझा दीजिए, आपके पास मौका है। देखिए मैं जब मुझे चयनात्मक रूप से मैं संविधान को मानूंगा, चयनात्मक रूप से मैं कोर्ट को मानूंगा, और फिर उसी संविधान की बात जब आएगी तब मैं उसको नहीं मानूंगा, ये सिलेक्टिव नहीं हो सकते ना। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। माजिद हैदरी, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं आपने कहा कोई मसला धर्म का कोर्ट नहीं जाना चाहिए, तो वो कह रहे हैं मथुरा वाला मसला भाईचारे से सुलझा लीजिए और कृष्ण जन्मभूमि है वहां अपना काम कर लीजिए। देखें जनाब ये सेक्युलर राष्ट्र आप समझते नहीं, यहाँ पर किसी के बाप का राज नहीं चलता, किसी के बाप दादा का राज नहीं चलता, सेक्युलर राष्ट्र है जो गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने जो मामला बनाया था उसी पर चलेंगे, भाईचारे पर चलेंगे। मुझे आप बताइए 70 वर्षों से प्रॉब्लम नहीं थी, आज शहजाद भाई को नीचे सेक्युलर राष्ट्र है ना। एक सेकंड माजिद, सेक्युलर राष्ट्र है ना, तो सार्वजनिक जमीन पर जो लोग जबरन नमाज अता करते हैं वो भी तो रुकना चाहिए ना, बताइए सेक्युलर राष्ट्र है, किसी के बाप की जमीन नहीं है आपने जैसे कहा, तो बाप की जमीन नहीं है तो सार्वजनिक जगह पर क्यों नमाज अता की जाती है। आज आप ऐलान कीजिए कि सार्वजनिक जमीन पर पहले तो नमाज बंद हो, नहीं बता दीजिए, आप समझा कीजिए बात तो, क्या समझा करूं, ये सेक्युलरिज्म की गंगा एक तरफ ही बहती रहे, मतलब आपकी नमाज सार्वजनिक जमीन पर अता हो तो ठीक है, आपका लाउडस्पीकर 5 बार बजे दिन में और 5 बजे सुबह बजे अजान बजे तब तो ठीक है, परंतु अगर कार्रवाई कोर्ट की तरफ से हो तो ठीक नहीं है। किसी का घर नहीं टूटता शहजाद भाई, अजान में कोई बुलडोजर नहीं कि किसी गरीब का घर टूटे, कोई मुसलमान तो गोश्त से भी किसी का घर नहीं टूटता। जो आप खाने के लिए परेशान हैं कि नवरात्र में क्यों हो गया और वो भी एक जगह कहीं आ गया तो उसको पूरे देश में आप लागू कर दे रहे हैं, उससे भी किसी का घर नहीं टूटता है, लेकिन आपको खाना मर्जी का, आपको पहनना मर्जी का, आपको सब मर्जी का करना है, लेकिन देश का कानून नहीं मानना। मुझे ये बताइए कपिल कुमार जी, नहीं कपिल कुमार जी, ये बड़ा सेलेक्टिव हो गया इस देश के अंदर कि जब तक तुम मेरी बात करो, मेरी हर गलती को छुपाओ, मुझे विक्टिम बने रहने में मदद करो, तब तक तुम बहुत अच्छे हो, जैसे तुम कह दो कि संविधान का पालन करो ये देश बड़ा बेकार आ रहे हैं, हम तो इसके साथ कैसे आ गए, ये तो ये हो गया और वो हो गया, ये इस देश में माहौल बना दिया गया, हम तो एंडेंजर्ड स्पीशी बन रहे हैं इस देश में। सुशांत जी मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो इन भाई साहब को जो है ये सेकुलर शब्द का मतलब समझ लेंगे, सेकुलर का मतलब क्या है, घर जाए और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा के देखे और सेकुलर का मतलब समझ ले। सेकुलर का मतलब है राज्य और धर्म के बीच में पूरा विच्छेद। एक तरफ ये कहते हैं हम सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, मुझको दूसरी तरफ बताइए क्यों फिर ग्रांट लेते हैं ये, इनको दिल्ली सरकार से तनख्वाही क्यों लेते हैं मौलवियों के नाम जाकर के, मुझे समझाइए इस बात को। जनाब माइनॉरिटीज को तो स्पेशल स्टेटस में इंसेंटिव मिलते हैं, आप क्या बेकार की बात नहीं करिए, यहाँ पे योगी जी सेकुलर का मतलब मत समझाइए, वो तो मेरे जेब का खर्चा चलता है, क्यों चलाते हैं योगी जी, सेकुलर का मतलब मत समझाइए, सेकुलर का मतलब आप खुद पढ़ दीजिए जाकर डिक्शनरी के अंदर क्या है, और एक चीज मैं और बताऊं, बताइए आप मुझे बताइए, और सुनिए ये सेकुलर सुशांत जी ये कितने इस्लामिक है, ये इनकी वेशभूषा बता रही है, ये पेंट कोट टाई फिर क्यों पहन के बैठे हैं, जब ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो हिंदू और बौद्ध से भी पहले थे, तो भैया ये टाई पेंट कोट भी उससे पहली थी क्या, ये टाई कोट कैंट भी पहले थी क्या, मुगलों के जमाने की पेंट टाई कोट है, हम तो कभी नहीं कहते आगे बोलना है, और ये बोले हमेशा भागवा पोशाक में क्यों होते, हम तो कभी नहीं कहते, योगी जी की अपनी मर्जी है, वैसे हमारी अपनी मर्जी है, हमारी महिलाओं की अपनी मर्जी है, लेकिन आपको आपत्ति है हर चीज पे, अरे हम पूछ रहे ना इस्लामिक है तो ऐसे मुसलमान वैसे, अरे आप इस्लामिक है ना, आपने तो पूरा इतिहास गिना दिया ना मुझे इस्लाम का, कि इस्लाम हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से पहले हिंदुस्तान में मौजूद था, आपने तो मुझे ये गिनाया ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कितने इस्लामिक है, अरे आप तोते हैं ISI के, आप तोते हैं पाकिस्तान के,
जो यहाँ पे रोज बैठ के गुप्त भाषा से मैं कोई आरोप आप पे लगाऊंगा नहीं, ये तो आपकी औकात समझ आ रही है। आप बहुत कर चुके हैं, बहुत कर चुके हैं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। मैं पहली बार आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं पहली बार आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं। अच्छा, आप कुरान का भी देखिए, तीन तलाक के लिए माजिद हैदरी ने अभी कहा चाहिए अपना शरीयत, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, शरीयत अपनाइए, जो चोरी करता है उसके हाथ काटे जाएंगे शरीयत के हिसाब से। तब ये शरीयत लाइए ना, बलात्कार शरीयत के खिलाफ औरतों के जो शरीयत की वकालत कर रहे हैं। एक सेकंड माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, तुम्हारी तो दाढ़ी भी शरीयत के हिसाब से नहीं लगी हुई है। पहले तुमको पकड़ के ले जाएंगे, टीवी पे आना शरीयत के हिसाब से हराम है। तो सबसे पहले शरीयत लागू हो गया तो तुम अपना आप देख लो, जिस वेशभूषा में और जो चेहरा लेकर बैठे हो, सबसे पहले पकड़े तुम जाओगे। दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने कहा हम एंडेंजर, अरे सुन लो ना, आप एंडेंजर स्पीशीज हो। आपने कहा एक सेकेंड, आप शरीयत चाहते हैं ना, आप शरीयत चाहते हैं ना, आप शरीयत लागू होगा तब देखना क्या होगा। सुन लीजिए मेरी बात, एक सेकेंड कपिल जी, इन्होंने कहा कि शरीयत चाहिए और हम एंडेंजर स्पीशी हो चुके हैं। एक ईमानदारी से बात बताइए, पाकिस्तान में, इराक में, ईरान में, लिबिया में, सूडान में, सोमालिया में, ये सारी जगह, यहाँ पर तो ना हिंदू है, ना आरएसएस है, ना बीजेपी है, यहाँ पर क्यों एंडेंजर्ड हो भाई? यहाँ पर तो शरिया भी है किसी ना किसी तरीके से लागू। नहीं, यहाँ पर आप क्यों एंडेंजर्ड हो ये बता दीजिए ना। एंडेंजर्ड होने के कारण भी आप ही के बीच में छुपे हुए हैं। एंडेंजर्ड होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग जो है केवल और केवल वोट बैंक के नाम पर सारी कुरीतियों को छिपाना चाहते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माजिद हैदरी, एक सवाल ईमानदारी से इसका जवाब दे दो। आज अगर आपकी बेटी की शादी होती है और आपकी बेटी और कोई और, उन दोनों के अधिकार तलाक पर समान होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अगर आपकी बेटी को अधिकार ना मिले और सुशांत की बेटी को मिले तो क्या ये सही होगा? पर जब बात होती है समानता की, आप विरोध करते हैं, आप महिलाओं के अधिकारों का विरोध करते हैं, ये आपकी हकीकत है। शरिया के नाम पर आप संविधान को पीछे ढकेलना चाहते हैं। कोई भी आपको बता दे कि ये असलियत है तो आप उसको मानना नहीं चाहते और फिर वोट बैंक का वीटो कार्ड लेकर आ जाते हैं, डिवाइड एंड रूल का कार्ड लेकर आ जाते हैं। बलात्कार के खिलाफ शरीयत का कानून ले आइए, देश में हमारी महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। कृपया मुझे हाथ जोड़ने पड़े, देश में ले आइए शरीयत का कानून। अच्छा, एक मिनट, माजिद हैदरी, ये ख्वाब में भी आपको कभी आए कि हिंदुस्तान में शरीयत का कानून लागू हो गया है तो हड़बड़ा के उठ जाइएगा और ये मान लीजिएगा कि आपने बहुत भयानक सपना देखा। यहां शरीयत का कानून नहीं आएगा, ये सपना भी मत देखिएगा सर। ये देश संविधान से चलता था, है और रहेगा। ये आपके ख्वाब में आ सकता है कि शरीयत लागू होगा, ये नहीं होगा। अब मुझे बताइए, हाफिज गुलाम सरवर और कुछ नहीं, नहीं हाफिज गुलाम सर, नहीं इस देश में कानून अपने आप में बन जाएगा, हमको शरीयत नहीं चाहिए सर। मुझे बताइए हाफिज गुलाम सरवर, संविधान और कुरान, इसके बीच में झूलना नहीं है सर। सबके लिए संविधान ऊपर होना चाहिए और ये है या नहीं ये तय कर लेना चाहिए। अपनी मर्जी से जब आप झूलेंगे इधर से उधर तो फिर यही होगा कि लोग आपको कोई उमर अब्दुल्ला, कभी कोई झारखंड का मंत्री, या आपको इस्तेमाल करेंगे ये बताकर कि देखो ये गलत हो रहा है। जी जी, मैं दो तीन जवाब देना चाहूंगा। एक तो शहजाद पूनावाला साहब ने कंटिन्यू बॉलिंग कर दी है और पता नहीं हैदरी साहब किस दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं, न तो डिफेंस कर रहे हैं, न ऑफेंस कर रहे हैं, न कुछ बता रहे हैं। सवाल नंबर एक के जिस मुगल के पूर्वज होने की बात कर रही या वंशज होने की बात की जा रही है, हैदरी साहब को ये बताना चाहिए मुगल के वंशज भारत में है। और अब मैं आखिरी में बताऊंगा कौन कौन है और आप लोग जानते हैं। लेकिन पहला सवाल, कपिल साहब भी बड़े इतिहासकार हैं, बाबर को भारत में बुलाया किसने था, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब आना चाहिए। और दूसरा सवाल के मुगल के या ऐबक के या तुगलक के या खिलजी के या बलबन के या किसी के भी दौरे हुकूमत में इस्लाम न फला न फूला न फैला, इस इतिहास को अगर कोई पेश करता है तो उसे किताब और पेज समेत आना पड़ेगा मेरे सामने। इस्लाम कैसे नहीं जो फाइल आपको ताजमहल नहीं दिखता मौलाना साहब, आपको अरे ताजमहल नहीं दिखता, थू का ताजमहल फिर बीच में इंटरफेयर कर गया। माजिद हैदरी रुकिए, वो कह रहे हैं ताजमहल पे थू है, अभी रुकिए उनको थू देने दीजिए। माजिद हैदरी रुकिए, आप थूकिए। अरे माजिद हैदरी साहब प्लीज, अल्लाह के बाद कम कम सुन लीजिए, कुछ सीख लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए। ताजमहल इस्लाम का शुआर है। माजिद हैदरी का ऑडियो कैमरा सरवर साहब बोलिए, इस्लाम से क्या लेना देना है?
खाम खा पूरे डिबेट की ऐसी तैसी हो जाती है। अरे माजिद हैदरी का ऑडियो कम रखिए भाई, माजिद हैदरी मुगल जो है उन्होंने इस देश में हिंदुओं पर बड़ा एहसान किया कि बोलने दिया। आप भी मुगलों के वंशज होने के नाते बोलने दीजिए दूसरों को, बोलिए। हम माजिद हैदरी होंगे मुगल के वंशज, हम भारत के मूल निवासी हैं और गर्व से हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, लेकिन किसी मुगल किसी तुगलक ऐबक बलबम के तलवार और जोर से नहीं, इस्लाम के प्यार और किरदार से। और इस्लाम कैसे भारत में आया शहजाद पूनावाला से और कपिल साहब से ज्यादा नहीं जानते होंगे, हैदरी साहब तो पढ़े ही नहीं है इस मामले में। इसलिए इस मुद्दे को देखिए, मुद्दा कहां से चलता है और कहां लाकर फिर आप घुमा देते हैं। नहीं, मैं देखिए सरवर भाई, देखिए आपकी ईमानदारी का मैं कायल हूं। आपने यहां नेशनल टेलीविजन पे ये माना कि भाई पहले यहां हिंदू रहते थे, फिर इस्लाम आया, किसी ने मोहब्बत से स्वीकार किया, किसी ने तलवार की नोक पे किया होगा, लेकिन कन्वर्टेड है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, वो पहले हिंदू था, पूर्वज आपके हिंदू थे। 99% हाँ, इक्के दुक्के आबादी है जो कहीं बाहर के इनके होंगे पुरखे वो बसे होंगे, 99% कन्वर्टेड मुस्लिम है। और क्यों कन्वर्ट किए ये चिंता का विषय सनातनियों के लिए होना चाहिए, हमारे लिए नहीं होना चाहिए, बात समझिए। ये वो सोचे कि क्यों कन्वर्जन हुआ, रही बात तलवार के जोर पर फैलने की, इस पर भी आपके टीवी डिबेट पर जितने इतिहासकार को आपको बुलाना है सबको बुला लेंगे, मैं एक एक डेट है एक इस पर कपिल कुमार जी बताएंगे कि एक बात तो मानी सरवर भाई ने कि भाई यहाँ ये जो हैदरी साहब बोल रहे थे यही था इस्लाम, सब इस्लामी था, वो नहीं है, यहाँ बाहर से इस्लाम आया और लोग कन्वर्ट हुए, पहले इनके पूर्वज हिंदू थे। अब मैं इस पर आऊंगा, मैं ना इस पर आ जाऊंगा क्योंकि देखिए क्लैरिटी थोड़ी होनी चाहिए। आपने कहा तलवार की नोक पे हुआ या नहीं हुआ, इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आ रही है दिल्ली के शाहीन बाग से, 47 किलो नशीला पदार्थ मिला है शाहीन बाग के अंदर। एनसीबी ने यहां पर एक्शन लिया है और करीब 50 किलो हेरोइन बरामद की है उस शाहीन बाग के अंदर, जिसकी चर्चा आपने हाल के दिनों में CAA NRC के विरोध को लेकर बहुत सुनी। उसी शाहीन बाग में अब अतिक्रमण पर कार्रवाई की भी बातें हो रही हैं, और अब उसी शाहीन बाग में जब यह छापा पड़ा है एनसीबी का, तो बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयंकर मात्रा, पैकेट पे पैकेट रखा हुआ है, और ये अफगानिस्तान से आई हुई हेरोइन बताई जा रही है, समुद्र और बॉर्डर के रास्ते लाई गई है, एनसीबी दावा कर रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ठीक है कपिल कुमार जी, अब जरा आप अपनी बात कहिए जो सरवर भाई कह रहे थे। देखिए सरवर भाई ने कुछ बहुत अच्छी बातें की हैं, और मैं सरवर भाई को 2-3 बातें बताना चाहता हूं। आप ठीक कह रहे हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, लेकिन बाबर से पहले इस्लाम भारत में बहुत पहले आ चुका था। सिंध के अंदर राजा दाहिर के समय पर मीर कासिम के आक्रमण को मत भूलिए, और बाबर से पहले अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के जो हमले थे उनको भी मत भूलिए। तो इसलिए इस लंबी तकरीर में मत जाइए, बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी इतिहास की। सवाल ये उठता है कि 47 के बाद में आज हम जो हैं, कोई माजिद हादरी को ये बताए कि बाबरनामा पढ़ दीजिए और अकबरनामा पढ़ दीजिए। सवाल ये है कि उस जमाने में जो बर्बरता हुई, अगर ये कहें कि भाई ये उस जमाने की बर्बरता थी, आज हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, आज हमें मिलकर साथ चलना है, आज देश को हमें आगे बढ़ा करके चलना है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये उसे ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे अभी कर रहे थे कि बाबर को किसने बुलाया है, तो उसको जब ग्लोरीफाई करते हैं तो रिएक्शन होता है उसके ऊपर। अब अगर अकबरनामे में लिखता है कि मैंने 40,000 हिंदू वहां पे मारे चित्तौड़गढ़ के अंदर, मैंने तो अकबर तो था ही नहीं, तो रिएक्शन फिर होगा नहीं होगा उसमें, तो उसके ऊपर ही नहीं। कपिल साहब उसमें अकबर क्या थे, किस समय नहीं था अकबर भाई, अकबर के इसमें नहीं था, चित्तौड़गढ़ में जो हमला हुआ था अकबर ने नहीं किया था। मान सिंह कौन थे, क्या कर रहे थे? नहीं मैं भैया एक काम कर रहा हूं, अरे भैया अकबरनामा, मान सिंह कौन थे, अरे अकबरनामा पढ़ लो, अरे अकबरनामा पढ़ लो जनाब, अरे भैया अकबरनामा पढ़ लीजिए। चित्तौड़गढ़ में मारने के बाद में सबसे पहले अजमेर शरीफ पे आया, अरे छोड़िए, अरे भाई
सुनिए, मैं मुगल हिस्ट्री में अभी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन शहजाद पूनावाला मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इसी टेलीविजन डिबेट में एक माजिद हैदरी बैठे हैं जो मुगलों के वंशज हैं उनके हिसाब से, और दूसरे बैठे हैं सरवर साहब जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, जो कह रहे हैं कि भाई बाहर से लोग आए, हमको मोहब्बत थी इस्लाम से, हमने हम कन्वर्ट हो गए, हम पहले हिंदू थे। देश में ये क्लैरिटी मुसलमान के दिमाग में होनी कितनी जरूरी है कि भाई हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, यहां पहले भी एक धर्म था, बाद में दूसरा धर्म यहां पर आया, आगे बढ़ा, लेकिन जब अब संविधान चलता है तो दोनों को बराबरी पर रखना होगा, कुरान संविधान से ऊपर नहीं होगा, देखिए ना गीता संविधान के ऊपर होगी। देखिए दिक्कत की बात यह है कि बार बार जो माजिद हैदरी बात कर रहे हैं वो दरअसल ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स के ही शिकार है, इनको भी पता है, ये अगर मुगलों की इतनी बात कर रहे हैं तो ये वही मुगल है ना जिनके कहते ये वंशज है, तो कई मुगल राजाओं ने भी तो कहा था कि गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए, कहाँ बात मानते, अपने वंशजों की बात नहीं मानते। देखिए ये दरअसल केवल और केवल सहूलियत वाली राजनीति करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज संविधान के तहत तो उनको चाहिए इतने अधिकार, या अगर ऐसे ही चाहिए कि मुगल राजाओं के समय का अधिकार हो तो फिर तो बहुत अलग बात हो जाएगी। तो संविधान के तहत कभी अपना अधिकार मानते हैं परंतु कोर्ट की बात नहीं मानते। आज कोर्ट ने जो बातें रखी है तो उसको सबको मानना चाहिए, लाउडस्पीकर का हो या हिजाब का फैसला हो, ये सब कोर्ट की बातें हैं, तो कोर्ट की बातें क्यों नहीं मानते? माजिद हैदरी, कोर्ट की बात है, योगी सरकार कोर्ट के फैसले का पालन करा रही है, क्या दिक्कत है इसमें? और वहां वहां जो मुसलमान है यूपी में उसको दिक्कत नहीं है, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को दिक्कत हो रही है, उनको क्या है भाई? जी सबसे पहले जो मैंने कहा कि यहाँ मुसलमानों का राज था उससे मेरा मतलब नहीं था हमारे पूर्वजों का था, मेरा कहने का मतलब था मुसलमानों का राज था, उसमें मुगल भी थे, खिलजी भी थे, सल्तनतें दिल्ली भी थी, बाकी भी थे। इनने बात की, हमें कपिल भाई ने कहा कि बाबरनामा, बाबरनामा में बाबर ने हुमायूं से वसीयत की थी, कहा था बेटा धर्म की राजनीति नहीं करना, तो मुसलमान हो लेकिन धर्म की राजनीति भारत में नहीं करना, भारत वर्ष हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति नहीं करना। लेकिन आज के भारत में क्या है, भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति। कैसे मुझे समझाइए ना सर, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ इतनी देर से, योगी आदित्यनाथ अगर मंदिर से भी हटा रहे कोर्ट के फैसले को देखकर, मस्जिद से भी हटा रहे कोर्ट के फैसले को देखकर, तो धर्म की राजनीति कैसे है? और अगर धर्म की राजनीति है तो यूपी में हंगामा क्यों नहीं है, कश्मीर में क्यों है? घंटी होती है तो घंटी पे तो किसी ने आप, अरे भाई घंटी जो होती है वो घंटी मंदिर में बजती है, लाउड स्पीकर लगा के घंटी नहीं बजाते, और अगर घंटी भी बज रही है तो उसको भी बंद करा रहे हैं, इस बात को समझिए। तो कांग्रेस नहीं, नहीं देखे यही तो बात है, धर्म के मामले में कोर्ट को नहीं लाइए, यही मैं कह रहा हूँ, धर्म को धार्मिक गुरुओं को संभालने दीजिए, धर्म में कोर्ट को नहीं लाइए, सरकार को नहीं लाइए, बहुत खराब हो जाएगा देश में, हमें नहीं चाहिए हर चीज में सरकार, क्या खराब हो जाएगा बताइए आप, जरा आप भी धमका ही लीजिए, क्या खराब कीजिएगा सुनाइए जरा, क्या खराब कीजिएगा अगर धर्म के मामले में कोर्ट चले जाएंगे, क्या कीजिएगा, क्या खराब कीजिएगा? नहीं जाना है कोर्ट, नहीं सुनाइए धमका लीजिए, आप भी सुनाइए क्या कीजिएगा, हम भी सुने क्या खराब कीजिएगा। साल हर साल से हजारों साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा, आज आपको सरकार का ठप्पा क्यों चाहिए धर्म के नाम पे, हमें भगवान श्री नाम सरकार, भगवान श्री नाम मुझे ये बताइए, अगर धर्म के मामले में कोर्ट नहीं जाना है, हिजाब के मामले में कोर्ट क्यों गए, हमें भगवान श्री हिजाब के मामले में कोर्ट क्यों गए, अगर धर्म के मामले में कोर्ट नहीं जाना है, हिजाब के मामले में कोर्ट किस लिए गए थे, शाहबानों में भी पूछ लीजिए, शाहबानों में कोर्ट क्यों गए थे, रामलला के मामले में कोर्ट क्यों गए थे, कोर्ट क्यों गए थे? अरे इतना कैसे चलेगा सर, जब अपनी मर्जी होगी जो कर लेंगे, दूसरे को फिर ज्ञान दे देंगे। जनाब जब नाइंसाफी हो रही थी तो कोर्ट गए, नाइंसाफी में कोर्ट जाते हैं, नाइंसाफी हो रही थी उन लोगों के साथ जिनको लगता है सुबह सुबह हमको अजान नहीं सुननी, वो कोर्ट चले गए, उनको नहीं चाहिए अजान सुबह सुबह, आप अपने लोगों को बुलाइए भाई। अरे और मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूं, गुलाम सरवर मुझे ये बताइए, जिसको नमाज पढ़नी है इतना अल्लाह पर भरोसा है भाई, हर मोबाइल में अलार्म है, बजाओ उठो और पढ़ो। देखिए सुशांत भाई, सबसे बड़ी बात, इस्लाम को जो है पूरी तरह से डिफाइन किया नहीं गया, भारत का इस्लाम विचित्र होकर रह गया, जो हमारे परंपरागत नेतृत्व हमारे थे, जो पुराने ट्रेडिशनल लीडरशिप हमारा था, वो अभी आपने कहा ना कि कोर्ट ना जाए और हाँ जाए, जो ये कह रहे हैं कोर्ट जाने का रिवाज इन्होंने खुद मैंने शुरू किया, अगर आप घर में न्याय की का वातावरण बना देंगे तो हमारी माएं और बहनें कोर्ट क्यों जाती, शाहबानों कोर्ट क्यों गई, न शाहबानों मुस्लिम थी, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपने अभी कहा,
सारी सहूलतें मौजूद हैं इस देश में, और ये लिबरल देश है, कोई हिंदू कम्युनल और क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन लेकिन दोनों तरफ से मुट्ठी भर लोग अपने सियासी फायदे के लिए ये जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सारी कमियां लीडरशिप में है, लीडरशिप को सुधारिए, सारे मसले का हल हो जाएगा। मुस्लिम लीडरशिप में कमियां उजागर हो रही है लगातार, उनके गलत दिशा निर्देश, गलत बयान, गलत आश्वासन। माजिद हैदरी, एक बात बताइए, माजिद हैदरी, आप स्कूल जाते होंगे, कभी तो आपकी भी कान खींचे गए होंगे, आपको भी बाहर खड़ा किया गया होगा, आपको भी झाड़ पड़ी होगी, कभी आपने कहा कि मुझे इसलिए कर दिया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? नहीं कहा ना? नहीं, ये मौलाना साहब देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये देश जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, आप लिख लीजिए, क्योंकि इस देश में दो मुसलमान हैं, एक आपकी तरह जो फंसे हुए हैं अभी भी मुगलों के बीच, और दूसरे गुलाम सरवर और शहजाद पूना वाला टाइप, जो इस देश के हिंदुस्तानी मुसलमान है, और वो इस देश के साथ हैं, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, नहीं रोक पाएंगे आप छोटे उनका ऑडियो कम कीजिए। माजिद हैदरी, आप अंबेडकर जी को मानते हैं? अंबेडकर जी ने तो सबसे ज्यादा वकालत यूनिफॉर्म सिविल कोड की अंबेडकर जी ने कही थी, और जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब उन्होंने उसको संविधान में लाने का काम किया था, और गोवा में तो 1962 से लागू है, तब आपको ठीक नहीं लगा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, या तब ठीक था, अब उसमें जो है बर्बादी? मैं तो बस इतना कह रहा हूं भाई, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो सुन लें, माजिद हैदरी खुद टाई कोट और पैंट पहन के बैठे हैं और कह रहे हैं मेरी बहनें जो हैं वो हिजाब में रहेंगी और नकाब में रहेंगी, वो बहनें पलट के पूछे हैं कैसे भाई हो भाई, खुद तो तुम आ गए कोर्ट में और हमको कह रहे हो हिजाब में रहेंगे, ऐसे भाई हैं इनको तो छोड़िए फिर। चलिए, मैं कह रहा हूं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।